अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करना सारे भैन भरा ठीक ठाक जिथे भी उसो खुशबाश उसो। अज 15वां रोज़ा है और जरा अज ना असरा सफर आ सुबह सुबह टाइम अस आ जा रहे एक पहाड़ी इलाके की तरफ। जिसल पहाड़ी इलाके ने नौश ना उस समझ जाने कि जिले कोटली ने कोई इलाका हो सी जी। बिल्कुल अज अस फिर जा रहे एक बार जिले कोटली ने एक इलाका है माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत आ। उस इलाके की अस पहले भी जाने रहे अस टाइम दिता वा बगैर वक्त की जया किते अस चलने उस पहाड़ी इलाके की तरफ। तुसें जनाब दसने पार पहाड़ियाँ तकने उसो उन्होंने पहाड़ियों से अस जाना है पिछली साइड है। हूँ अस चलने बगैर वक्त की जया किते अपने सफर का आगाज़ करने और मारे न मौजूद है सफियान भाई और अमीन भाई भी। आइए जनाब अस रास्ते और इस साइड तकने उसो पानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है? ठीक है। ठीक हो? कपड़े जने खराब हुई गए पानी है ओ जरा गड्डी फसी किसी मास्टर जात रोनी तो कढ़ाई तो पे कपड़े खराब हुए। अल्लाह अल्लाह तो कौन है इसलिए भी ये गड्डियां फसनी है यहां। हां जी इंशाल्लाह पुल ने बारे की आने से ये पुल बनसी कोने कोई जाए बनसी ना नहीं इंशाल्लाह टाइम लगसी लेकिन बनसी जरूर घबराना नहीं। मिट्टी चेक की थी उसके बाद को नहीं कोई खैर खबर है पास हुई है हूं तो को क्या करते हैं अल्लाह मिट्टी पास हुई की मिट्टी पास हुई पक्की खबर ही ना चल रही होगी इंशाल्लाह सड़क शुरू होगी रोजे तो बाद इंशाल्लाह सड़क शुरू हो जाएगी। चलो काफी टाइम ने सुनने से कि सड़क शुरू होगी और नाल पुल बनेगा 8 तारीख इफ्ताह करेंगे ए भी चलो आज खबर पता चलेगी वीडियो बनाई रही से नाल नाल पता चली गया। चलो संगी गा करने और पुल भी चलो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी कम शुरू हो सी। मिट्टी चेक की थी उसके बाद या कम कौन शुरू होया लेकिन उम्मीद है कि शुरू हो सी इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो सी देर ही अंधेर नहीं है। चलो ठीक है इंशाल्लाह जरूर कम हो। चलो ठीक है तो हूं अस चलने अमीन भाई मोटरसाइकिल की नीचो हूँ अस अगर चलने और तुम्हें दसने अस कुछ जा रहे हैं यह दसो कि खुशबरी सुनाई रही है सुबह सुबह निकलते ही तो एक खुशबरी तुम्हें सुनाई है हूँ अगर जुलने अमीन भाई मोटरसाइकिल खड़ी रहे मैं तो सुफियान भाई पैदल ही जा रहे हैं। असल की उस साइड जरा चिकन नहीं है उस चिकन गड्डियाँ फसनी हैं बारिश होनी रही अपने उस मोटरसाइकिल की तरह फिरना आया बारिश होनी रही है जिसने भी ऐसी कुछ ज़्यादा चिकन बनता हुआ इसकी फिर गड्डी फंसी जानी है। मोटरसाइकिल तुम्हें पता कि फेरी थोड़ी तो कुछ जगह से निकली जाना फिर भी लेकिन गड्डी नहीं गया निकली तब की सुनी अमीन भाई सुफियान भाई तक दे चाहे बार बार उछो असन जी अपना सफर जारी रखा हुआ रास्ते ही अस पहुंचे हैं और इस साइड तक ने उसको कि मैं कोट भी लाया हुआ और नाल नीचे जैकेट भी ले गया है। असल की गल है कि तुम्हें पता कि पहाड़ी इलाके की तरफ जो है रास्ते की बहुत ज़्यादा कस्त है नालिश ने और सर्दी बहुत ज़्यादा होनी है इस वजह से मैं फिर अपर कोट भी लेता सा उतना जाइए कोट लाइट सा और हूँ तुम्हें दसने कि अस कुछ जा रहे हैं अस जा रहे हैं जरा अस स्कूल बनवाई रहे हैं सेंसर ने अंदर छनाया शीनी ब्रूटी जगह नाया अस उत्थे जा रहे हैं अज उत्थे रिजल्ट ना फंक्शन आ बच्चे की ना मां तकसीम कर सा उसे पता कि जो स्कूल ना कम मुकम्मल नहीं होया जो कम जारी है उन्हें अज अस ऐसा कि जरूर शिरकत करनी और बच्चे ने अच्छी तरह हौसला अफजाई करनी है इस वजह से जा रहे हैं और अगर चली तो उसकी दसा बच्चे ना फंक्शन है और मजीद फिर गल बातें होनी रसून। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? आज तक इतने जंगल की एक चाचा मिली गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है जी ठीक ठाक हो। क्या नाम है तुम्हारा? जमशेद नाम मेरा। कुदर इधर फिरने तुने हो? ओ इधर डंगर लाए ना जंगली जो डंगर चारी रहे हो? हां रोजे की भी इसलिए गर्मी है बस रोजे की थोड़ा सा तंग करना चाहिए ना वैसे हम बोलो सुतिया नहीं गुजारना। अच्छा ठीक है तो रोजे तंग कर रहे हो तो परसिन्ने में आया परसिन्ना आया सफरो तो करू तो कुछ आया पिपली से आयो? हां अच्छा ठीक है इसी गई लूणा आखने लूणा गया ना आजा तुसा फत्ते ने बगला जिसकी आखने आ ये फत्ते ने बगला हां ते इस तीगला करा बगला आया अगला बगला है सी ना सही बनारस हो रहे जी जी उन्होंने टोने सी उस पीर बनारस हां ठीक है तो उस तो बाद गल लूणा आई है सी ठीक है फिर तुसा आ गल लूणा सांडी है लगे जो बल्ले बल्ले ए जड़ी रोड है एली कुछ बनवाई है इधर पक्की है कुछ जगह पर कच्ची है कुछ जगह पर पक्की है क्या सिस्टम है उन्होंने पीर बनारस में बनवाई ना ठीक है उन्होंने बड़ी मेहनत है जी पहले 1990 बनी सी
और उधर उस परली साइड ले रहा, ये तो फिर दोबारा इन्हें वहीं उस पास में बनाई है। अच्छा अच्छा, ये आके हूँ पक्की ना कराई ओड़ी, कोई थोड़ी थोड़ी रहनी है कोई भी जड़े पीस, ज्यादा मुश्किल रस्ते जड़े वो सारे उन्हें पक्के कराई छोड़े। ठीक है, इधर ही कोई पैर खंग नहीं नवाज इशनी भी ओ मारे संगी डंगरा ले बकरियां ले संगी है गपशप जारी हो नहीं नहीं नाल डंगर चाने हो नाल गपशप तो उस साइड वो छप्पर कोई बनता हुआ क्या वो जरा नजर आई बकरवाल रहने बकरवाल रहने इधर बकरवाल भी है जंगल है या बकरवाल ये मौसमी है कद्दू रहने। अच्छा ठीक है जी, चलो ठीक है, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी, अल्लाह ताला सलामत रखूं दे फिर। चलो इंशाल्लाह कुरा जिंदगी दी मुलाकात होसी। ठीक है, हुन अस जुलने आ अपने सफर दी जारी रखने आ। तो क्या उसी जी अस कितनी मुश्किल नाल पहुंचे आ, अजे पहुंचे को नहीं अजे रास्ते ही आं एली चढ़ाई उपर डरी ते हुन मिदो नहीं पहुंचे आ। और अजे असन अगे सफर काफ़ी ज़्यादा आ, रोड बहुत ज़्यादा खराब भी, पहले भी जिसल अस छने इधर तुसें दसने रोड बहुत ज़्यादा खराब भी, और इस साइड मोर मैकने पे उन्होंने आवाज छनी भी है। फिर जी तो मोटरसाइकिल खली गया सब बट्टे बहुत ज़्यादा है, अपने उस किस तरह असली बनना है वो अपने उस छिड़कों उठ गई तो चिकर कपड़े ही खराब हो गए, पानी मारी सपियन भाई कैमरा पोरो थोड़ी जी पिछाओ थके थके। कपड़े खराब हो गए ना तो नहीं लेने पूरे साफ नहीं होने, लेकिन ओ ये तकने उस चलो आई जो जुले हैं अमीन भाई फिर खलते हुए सुने अस जुले तुझे दस्या कि कितनी ज़्यादा रोड खराब भी है, और रोज़ा रखी दे जो सफ़र करना इंतहाई मुश्किल आ, उन्हें त्रे लगी भी है यह सोचना कि अगर क्या उसी पहले लेट होने से अगर ट्राली आई है बट्टे लद्दे हुए जाई रही है ये हूँ राय को नहीं देनी भी। तकने उसो जी माशाल्लाह तुकी सामने बड़ा खूबसूरत व्यू नज़र आई रहा उसी, और पार बनाला इलाका आ और उपर पहाड़ियाँ तकने उसो उसका पहाड़ी नहीं लेने इच्छो तो इस साइड पीर पसावा इशना इस साइड, और माशाल्लाह तकने उसो थले दरिया ना व्यू नाल बनाला ना इलाके ना व्यू, और ये रोड तकने उसो इली रोड पक्की है, इतने लोगों में सलाम पेश करना जिन्हें अपनी मदद आपने तहत इली रोड बनाई है। माशाल्लाह बड़ी मदद की ने कि इतनी रोड बनाना बड़ा मुश्किल आ, हुकूमतों तो बिल्कुल इधर तवज्जो ही कोनियां करनियां, इतने मुकामी लोगों अपनी मदद आपने तहत ली माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत रोड बनाई रही है, बड़ी सहूलत हुई है क्योंकि अस पहले भी छने रहे जिसलै रोड कौन सी होनी तो हूँ बहुत ज़्यादा फायदा है इस रोड ना। असा जी अलहमदुल्ला पहुंची आए जिस जगह असा छना सा उपर तकने उस के स्कूल आज स्कूल की फंक्शन जारी है, जिस तरह तुम्हें दसा सा हमारे मौजूद है सफियान भाई भी और इस साइड अमीन भाई मौजूद है, क्या होना जाने हो? कुछ भी नहीं आई जो जी चुल्ले हूँ इंतजार करने पे वो भी काफ़ी टाइम हो गया, असल की असन जी तो उसकी ज़्यादा टाइम लगी गया क्योंकि रोड नहीं सी सही, इस साइड तकने उस उपर खलते हुए असन ने वेट करी से और सुनो से ये दीदी करें जाओ जाओ शाबाश अच्छा करियो जी अल्लाह जी मैं कर लिया शहर मदीने चल लिया शहर मदीने दूर है जन्नत भी जरूर है अंदर भी फातिमा बार अल्लाह का नूर माशाल्लाह माशाल्लाह।
Sharif, I would like to invite Mrs. Sabna and Mrs. Zaya. Please come to stage and present Nat Sharif. जान फिदा ना एक जान दो जहान फिदा, दो जहान से भी जी नहीं भरा, करूं क्या करूं करोड़ों जहान नहीं। और गिर बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगाओ डर कैसा। गिर बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगाओ डर कैसा। गिर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। उनका करम उनके करम की बात ना पूछ, मैं क्या और क्या मेरी हकीकत, मैं क्या और क्या मेरी हकीकत, ये सब कुछ है सरकार की निस्बत। मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी ये सरकार का दर है, दरे शाहों तो नहीं, जो मांग लिया मांग लिया। मैं आप तमाम लोगों को इस पुरस्कार तकरीब में आमद पर दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं और वेलकम करता हूं। मैं कले भाई का तहे शुक्रगुजार हूं कि जो दूर दराज से यहां बहुत हवा आ चुके हैं, बहुत हवा आ चुके हैं। कल दफा भाई तो मेयर मास्टर राइम साहब उस वक्त थे, उन्होंने हमारा इंटरव्यू किया तो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने वो इंटरव्यू अपने यूट्यूब पर वायरल किया, जो हमें जिसका रिजल्ट हमें इस स्कूल की सूरत में, इस बिल्डिंग की सूरत में हमें मिला। तो मैं कलीम भाई का ये एक एतमाद वाले यकीन वाले ईमानदार आदमी यकीन करें कि जो जवान आदमी को एतमाद नहीं करते, मगर ये जो लोग डोनेशन कर रहे हैं एक ईमानदार आदमी है, तो इनकी ईमानदारी पर आप देखें कि लोग डोनेशन दे रहे हैं। फिर दुआ है कि अल्लाह कलीम साहब को इस तरह के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हमारे दिलों की दरकार शेर ए दिलाद मेरे मुराद जनाब मोहतरम कलीम साहब, उनको मैं स्टेज पर आने की दावत देता हूं और आपसे इल्तमास करता हूं कि खड़े होकर भरपूर तालियों के साथ उनका इस्तकबाल किया जाए। इरादे जिनके पुख्ता हूँ, नजरें जिनकी खुदा पर हूँ, तला तमहेज मौजू से घबराया नहीं करते। इंतहाई वाजिब एहतराम असातिज़ा-ए-किराम और इलाके के सभी मौजूदीन को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज मेरा तकरीर करने का कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन मौका की मुनासबत से मैंने सोचा कि चलो दो चार बातें आपसे कर ली जाएं। आज जैसा कि आपको मालूम है कि बच्चों का रिजल्ट का फंक्शन है, बच्चे पूरा साल मेहनत करते हैं
और आज उनकी मेहनत होती है उसका उनको सिला मिलता है, आज वो कामयाब होते हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से जो जो बच्चे पोजीशन हासिल करेंगे उनको और उनके वालदेन को मुबारकबाद। और वालदेन के लिए ये बहुत खुशी का लम्हा होता है, और इसी तरह जो इनके उस्ताज़ कराम होते हैं उनके लिए भी बहुत खुशी का लम्हा होता है, क्योंकि उस्ताज़ कराम पूरा साल इनको मेहनत कराते हैं, तो जितनी खुशी बच्चों को और बच्चों के वालदेन को होती है उतनी खुशी उस्ताज़ कराम को भी होती है। और आपके तो माशाल्लाह उस्ताज़ कराम भी बहुत मेहनती हैं जिन्होंने बच्चों को इतना अच्छा तैयार किया, मुझे दिली तौर पर खुशी हुई, क्योंकि मैं बाकी स्कूलों में भी जाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ अपने इलाके के भी और बाकी स्कूलों में भी, उनमें इतना अच्छा उनको तकरीरें, उनको नातें, उनको तलावतें, उनको नज़में इतनी अच्छी तैयार नहीं की जाती जितनी यहाँ पर माशाल्लाह इन्होंने बच्चों को तैयार किया है, और बच्चों ने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की। सबसे पहले इया का नाबुदून व इया का नस्ताईन, हम सब अल्लाह की इबादत करते हैं और उसी के आगे सब नबूवते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। मैं आज की इस पुरवकार तकारीब में जिस तरीके से यहाँ मुनक्कद की गई, सबसे पहले उस्ताज़ इकराम और इस गांव बडूटी के मुअज़्ज़ज़ीन इलाका का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरीके से ये तामन कर रहे हैं इनका भी तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। और आज की इस तकरीब के दूल्हा मेरी मुराद मेरे छोटे अजीज चौधरी कलीम जो सावला से यहाँ तशरीफ लाए, जिन्होंने यहाँ हमारी हौसला अफजाई की, हमें इज्जत बख्शी और हमारे दिलों में एक जान डाली, और तमाम लोगों ने यहाँ पर दिल जमी से काम किया। और आज देखें ये बिल्डिंग जो है, जब पिछला रमज़ान था उस वक्त हम यहाँ पर इसकी खुदाई का काम कर रहे थे और यहाँ पर जो है वो पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह एक खूबसूरत बिल्डिंग नज़र आ रही है, जिसका इंशाअल्लाह अगले आने वाले दिनों में बाकायदा इसका इस्तेमाल भी होगा। और मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कलीम अजीज़म कलीम का और अजीज़म अमीन का, जो पिछले रमज़ान में जिस तरीके से यहाँ पर आते थे, गर्मी का दिन था, मैं इनके साथ ही होता था, लेकिन गर्मी के इस आलम में ये डडियाल से सफ़र करके रमज़ान का रोज़ा रख कर यहाँ पर आते थे, दिन को एक बजे यहाँ से वापस चले जाते थे, ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। देखें यहाँ पर हम आज रात को बारिश हुई है और सुबह इधर हम धूप में नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन वो आलम गर्मी का, इतनी शदीद गर्मी में एक एक बजे यहाँ पर आते थे और मैं यहाँ से इनको रिसीव करता था, और ये चीज़ें देखकर मुझे बड़ा एहसास हुआ है। इनके इनके जज्बे को सलाम पेश करते हैं और इनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चुगनी इसी तरह तरक्कियां नसीब करे और इज्जतें अता करे। ये बच्चे बिल्कुल एक दूसरे के बराबर थे,
तो हमारे पास तो यही था कि हमने काफी लाभी थी, तो हमने कहा कि किसी बच्चे की दिल आजारी ना हो, इनकी उस हिसाब सही हो जाएगी। पहली पोजीशन तीन बच्चों ने हासिल किया, एक आयशा बीबी, मोहम्मद नामून और मलाइका बीबी। तालियां जी। एक बार फिर तालियां। एक बार फिर इनके लिए तालियां। क्लास थ्री में से दूसरी पोजीशन एक बच्ची ने हासिल की है, जोया रफी। एक बार फिर इनके लिए तालियां। नेक्स्ट ईयर आप में से भी जो बच्चा सफाई का सही ख्याल रखेगा उसको इनाम दिया जाएगा, ठीक है? सुनाना सबने। इसके बाद दो अवार्ड उन बच्चों के लिए जिनका डिसिप्लिन साल भर स्कूल में काबिले तारीफ रहा है और सब बच्चों से जुदा रहा है। एक मोहम्मद उमर क्लास वन, नरजस बीबी। एक बार फिर इनके लिए तालियां जी। डिसिप्लिन मतलब समझते हैं आप, फालतू बात नहीं, बार बार तंग नहीं करते हैं, बार बार छुट्टी नहीं मांगते हैं। अगर आप भी नेक्स्ट ईयर ये काम करेंगे तो आपको भी इसी तरह इनाम दिया जाएगा। माशाल्लाह आज सब बच्चों ने पोजीशन हासिल की तो बहुत खुशी हो रही है। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं कि देखेंगे आपके लिए इतना खूबसूरत हमने स्कूल बनाया है तो आपने नेक्स्ट साल भी इसी तरह मेहनत करनी है, तो अगले साल भी आपने इसी तरह मेहनत करनी है। इंशाल्लाह अगले साल भी आपको इनामात दिए जाएंगे, इसी तरह आपकी हौसला अफजाई की जाएगी। देखें आपने मेहनत की तो आपको इनामात दिए गए, और जितने भी मुझे इस टाइम बैरून मुल्क से जिस जिस मुल्क से देख रहे हैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मेरे साथ तमन किया, और आपकी दौलत हमने इतनी बड़ी बिल्डिंग और इतना अच्छा ग्राउंड और इतना अच्छा बच्चों के लिए पढ़ाई का एक इदारा बना दिया है, तो आप सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहसियत सबरा इदारा आज दफ्तर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ड्यूटी खास खसूस अपनी तरफ से और बिल पूरी आवाम की तरफ से मोहतरम कलीम साहब, कैमरामैन अमीन साहब और खास खसूस वो तमाम लोग जिन्होंने इस स्कूल में डोनेशन किया है, अपने अपने हथियार दिए हैं, उनका इंतहाई मशकूर हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इनका ये हदिया अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इनको मजीद ऐसी डोनेशन करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलाग। नाज़रीन सो पूरा फंक्शन तो क्या होती इस स्कूल ने असो कम पिछले साल रमज़ान की शुरू कराया सा और इस बार फिर रमज़ान आ तक ने उस के असो पिछले साल से नहीं था इस साल तक जितना भी असा इतना अच्छी मेहनत की अल्लाह पाक ने रज़ा मारे इन बच्चे मारे अस सहूलत
एक इत्थै सोलतने तौर पर असें जेल्लै स्कूल बनाया जेल्लै बिल्डिंग असें तमीर कीती ऐ उत्थुआं पिंड पराने तां नाल जिन्ना जिन्ना पिंड पराने इसने अंदर हिस्सा डालेआ बुसरियां उन्होंने हमारे दुआ कि अल्लाह पाक उन्होंने जान माल हर तरह के मामला अल्लाह तला बरकतां था फरमान जेह्ड़े इलाके ने बंदे वह भी हर टाइम दुआ करने रहने और सो अल्लाह पाक ने रजा माने दिता तो अल्लाह पाक ने जात कि जिस टाइम तक इतना बच्चे पढ़ने रहे सुन जिस टाइम तक इतना बच्चे तालीम हासिल करने रहे सुन सो कि स्वाब मिलने रहे जब तक के लिए बिल्डिंग मौजूद है और जरा इस तरह नवा हूं कम होया उस की दसी इस तरह हूं अस पलस्तर कम कराया की पिछली वीडियो की दसिया सा इसने पलस्तर का कम उस जारी सा हूं ओला पलस्तर का कम अलहमदुल्ला मुकम्मल हो गया और उन्होंने फर्शा ना कम रहना और अस नवे हूं डेस्क भी इतना बनवाया क्योंकि डेस्क नहीं इतना जरूर सी डेस्क इतना कौन से जो पुराने से ओले भजे त्रुटे से हूँ डेस्क बनवाए उन्होंने पर अब बच्चे बैठे से क्या उसी माशाला वह भी बेहतरीन हो गया अलहमदुल्ला अजय इस तरह कम मुकम्मल नहीं होया इंशाला बहुत जल्दी अस कोशिश ही तुम पिना पराने अगर भी सत्त इंशाला तमन रहा तो इसी अस बहुत जल्दी मुकम्मल कर सा तो उसके बाद अस कोशिश होती कि इसकी एक बेहतरीन अच्छा स्कूल बनाई थे अस इस इफ्ताह करा एक बार फिर बुसनी दुआ जिन्होंने पिना पुराने इस टाइम तक हिस्सा डालिया और जो अगर डाल सुन अल्लाह ताला सारे की पूजा दा इस तरह अजर अजीम अता फरमान और अगर भी अस इंशाला लम्मा बलम्मा अपडेट करने हूँ मिकी दो इजाजत अल्लाह निगेबा।